भाई चैंपियंस, कैसे हो? कैसा है सफर? मजा आ रहा है? कैप्टन बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह, बहुत प्यारा रूट है और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप थोड़ी कैप्टन के बारे में इंफॉर्मेशन तो दें हमें अबे कि जगह कौन क्या सी क्या है। कैप्टन इन्फॉर्मेशन दूँ, क्या इन्फॉर्मेशन दूँ इस बारे में? अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा आगे निकलूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल भी आगे नहीं निकलना भाई। क्यों आगे क्यों निकलूँ? अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ, लेकिन ज़्यादा तेज़ गाड़ी मत चलाना, आगे ख्याल रखना ओके और कैप्टन, साथ ही रहना, और गाड़ी को जो है ना जगह मिरर देखना, बैक मिरर में अगर हम नज़र ना आए तो फिर ज़्यादा आगे मत निकलना, ठीक है? न्यू रूट है तो इसलिए, और ध्यान से गाड़ी चलाना, सामने फोकस रखना अपना, क्योंकि इस रूट के ऊपर बहुत सारी अजीब अजीब वाकयात भी होते हैं, सडनली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा जो ना टर्निंग वाला है और साफ बहुत है, तो गाड़ी खुद ही उड़ती है इस रोड पे। तो माशाल्लाह वैसे रोड के हिसाब से देखा जाए तो रोड बड़ा प्यारा हो, गाड़ी बड़ी बेहतरीन चल रही है इसकी रोड के हिसाब से। कैप्टन इसके बारे में थोड़ा बताएं तो सही, कौन सी जगह है? हमारे व्यूअर्स भी जो ना सुन रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएं कैप्टन, जो हमें मालूम चल सके। यार इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, खैर व्यूअर्स को, खैर बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए बस ये बताऊँगा कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और बलूचिस्तान जो है ना उसकी खूबसूरती के बारे में मैं क्या बताऊँ। अजीब अजीब लोग खैर अफवाहें उड़ा देते हैं इसके बारे में। तो अभी जिस लोकेशन पर हम मौजूद हैं या जिस लोकेशन पर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो उस जगह का नाम है खुजदार, जो बलूचिस्तान के, ये कैप्टन ये टर्न आ रहा है, ये अरे अरे पे अरे एक मिनट। तो बेसिकली क्या है कि अभी देखें थोड़ा सा जो है वो मेरा ध्यान भटका, तो अभी मैं नीचे डाउन उतर रहा था, तो बस यही सिनेरियो है कि इस पे ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो ये जगहें कैसी हैं और पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा तो मैं बात कर रहा था खुजदार के बारे में। जो डिस्ट्रिक्ट खुजदार है ना, वो जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ना पाकिस्तान का, तो खुजदार जो है वो बहुत ज़बरदस्त जगह है। अगर इसके बारे में मैं कोई थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में तुम लोगों को थोड़ी सी डिटेल करना चाहूँ, तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट चल रही थी ना, तो डिस्ट्रिक्ट इन था आई थिंक 1974 में जो खुजदार था ना, वो पार्ट ऑफ द कलात डिस्ट्रिक्ट का था, कलात डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था ये खुजदार। और आई थिंक नवंबर में 1992 जब इसका ट्रिटी ऑफ खुजदार हुआ, जो खुजदार का मुआहदा हुआ, तो स्प्लिट ऑफ हो गया डिस्ट्रिक्ट अवारा से, तो न्यू डिस्ट्रिक्ट था हमारा, तो उससे स्प्लिट ऑफ हुआ। और अगर मैं बलूचिस्तान के बारे में कुछ और डिटेल करूँ, तो जो बलूचिस्तान के टाउन और सिटीज़ हैं, अगर हम उसको और प्रोविंस से कंपेयर करें, तो इसके सिटीज़ और टाउन्स जो है वो उतने बिग नहीं हैं, और जिस तरीके से रोड की सिचुएशन तुम देख रहे हो, और तो अब सिनेरियो बस ये, खैर एनीवे, तो व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, जो खुजदार की अगर मैं थोड़ी सी डिटेल करना चाहूँ, तो इतना ज़्यादा तो नॉलेज शायद आई थिंक नहीं है, लेकिन अगर इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो खुजदार डिस्ट्रिक्ट की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी इन 2005 में आई थिंक रिकॉर्ड की गई थी 5 to 5,000, तो 5 to 5,000 जो है वो 2005 में रिकॉर्ड की गई थी इसकी जो पॉपुलेशन है। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो जो कुछ मेजर ट्राइब्स हैं, मीन्स के कुछ कबीले हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, तो जो कबाइल हैं उनमें कुछ मेजर कबाइल्स हैं, बड़े मशहूर मशहूर कबाइल्स हैं, जैसे कि बजिंजो है, मारदोई जटक है, और नौशेरवानी था, और आई थिंक जरकजई, आई थिंक ऐसा कुछ था एक जरकजई, और जहरी था। तो इस तरीके के जो है ना इसमें बहुत सारे कबाइल मौजूद हैं बलूचिस्तान के इस पार्ट में, इस खुजदार के पार्ट में। तो और जो है इसके अंदर जो इसकी जो अच्छी बात है, यानी कि जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो इसके खुजदार के पास जो है एक लार्ज मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, है आई थिंक अभी भी, तो जो बलूचिस्तान को जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट कंटोनमेंट बनाता है आफ्टर कोयटा, यानी कि कोयटा के बाद जो है बलूचिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट कंटोनमेंट जो है वो कहलाता है। और अगर बात करें तो खुजदार एक बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। तो बस यही चीज़ें, लेकिन ये साथ साथ कबायली इलाकों के साथ साथ यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, एयरपोर्ट भी। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो जो इसकी यूनिवर्सिटी है खुजदार यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, वो एटलीस्ट 200 एकड़स पर जो है वो मुश्तमिल है, और
ज़िला खुजदार जो है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ना उसको डिवाइड किया है 5 तहसीलों में, खुजदार है, मूला है, नल है, वद है, जहरी है, और खुजदार के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके अंदर एरियाज हैं, जैसे कि बागबान है, बलीना, खटान, फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, कंद है और जरीना खटक है, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस इस रोड पे बहुत, मैं यही कहता हूँ कि यार आप ध्यान से जो है ना इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नॉलेज हैं। ये देखें जिस तरीके से ये ओ माई गॉड, 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 ओ माई गॉड।